यह कहानी है एक मेहनती किसान की। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव था, उसमें एक गरीब किसान रहता था। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान रह जाते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खालिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। रामू के साथ भी यही हुआ। वह रोने लगा क्योंकि वह खेत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए अपने खेत में काम पर लगा देता हूँ। मेहनती तो है ही और मजबूर भी है, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं, रामू बोला। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है, जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था और खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो उसने 2 महीने में कर दिया, क्यों ना उसे निकाल दूँ, उससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। रामू ने पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन दूसरे गांव चला जाऊं, मुझे घर पर न देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया।
10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसने रामू को अपने घर के आगे नहीं पाया। वो मन ही मन खुश हुआ, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों के पास जाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वो रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन उसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ा दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।